BRC 2021. We'll be discussing technical questions from mixed subjects. So in BRC there is no weightage of your aptitude portion, there is no weightage of engineering mathematics. आपका पूरा पेपर होने वाला है टेक्निकल क्वेश्चंस ही वहां पर होंगे. सभी क्वेश्चन के मार्क आपके रहेंगे 3 मार्क. अगर आप सही आंसर करते हैं देन यू विल बी गेटिंग +3 मार्क. गलत आंसर करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 1 मार्क का. लेवल ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपके गेट के 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क के क्वेश्चन से थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं. सभी क्वेश्चन में आपको एक थीम दिया होगा, थीम के ऊपर से आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. जैसे गेट एग्जाम में आपका होता है ना, डाटा गिवन होता है आपको एंड सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस. बट यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिया होगा कि दिस इज द सिचुएशन एंड यहाँ पर क्या हो सकता है. फिर वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एंड वहाँ पर थोड़े लेंथी कैलकुलेशन भी होंगे. जनरली गेट एग्जाम में क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत कम होती है, राइट. बट वहाँ पर लेंथी कैलकुलेशन भी माई फ्रेंड आपकी होगी. वर्चुअल गैलेक्सी आपके स्क्रीन पर होगा, देयर इज नो इश्यू. एंड कट ऑफ आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप 60 क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हैं, 60 क्वेश्चन मैक्सिमम, राइट, तो देयर इज नो इश्यू. जनरली 55 क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन आपका हो जाता है, बिकॉज द रिटन टेस्ट विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसका सिर्फ वेटेज आपका होता है जस्ट टू क्लियर. ठीक है, तो राज पटेल जी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सेशन. जस्ट टेल मी इन द कमेंट एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है माय फ्रेंड्स. एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग प्रोफाइल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द फैकल्टी इन वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. बिकॉज एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नॉलेज इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू गेट रिजल्ट. रिजल्ट यहाँ से लाना है आपको, रिजल्ट के लिए सब पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसा कोई नहीं होगा जो पढ़ाई करना चाहते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए. वो नॉलेज वाली पढ़ाई आपकी होती है वहाँ पर आपको प्रोफेसर पढ़ाते हैं इन योर कॉलेज, राइट. बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वाइल चूजिंग द लेक्चर. तो यस, आई एम पूजन दावड़ा टीचिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम मोर देन 1 ईयर. इट इज माई 2nd ईयर विद दिस अनअकेडमी प्लेटफॉर्म. इफ यू आर वॉचिंग माई क्लास वेरी फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. दिस इज माई ऑल इंडिया रैंक 255 इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन माई फाइनल ईयर एंड माई गेट मार्क्स वर 80.48 आउट ऑफ 100. आई वॉज पार्ट ऑफ IISc बेंगलोर, जो कि हमारे इंडिया की फर्स्ट रैंक की एंड वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक की रिसर्च इंस्टीट्यूट है. मेरा यहाँ पर काम क्या होगा, जस्ट टू ऑप्टिमाइज, जस्ट टू मिनिमाइज योर एफर्ट्स, जस्ट टू गिव यू मोर कंसेप्ट क्लैरिटी इन वेरी इजी वे एंड अल्टीमेटली टू गिव यू द सिलेक्शन. बिकॉज दिस इज रिजल्ट ऑफ माई वेरी फर्स्ट स्टूडेंट गोट AIR 92 फ्रॉम 9009. मतलब डबल डबल डिजिट, ये 4 डिजिट का रैंक था, डबल डबल 2 बार आया, 4 डिजिट के रैंक से यहाँ पर आ गया डबल डिजिट का रैंक. यस, ये कोड आपका जो होगा पूजन, ये कोड आप अप्लाई कर सकते हैं वाइल टेकिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस. दिस कोड विल कनेक्ट यू विथ मी पर्सनली इन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो सब्जेक्ट के साथ मैं डील करता हूँ विच विल बी थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड. मतलब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस में आपको मेरी हेल्प मिलेगी, ठीक है. एंड करंटली वी आर हैविंग वन सेशन ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राइट. अंतिम बैच हमारा जो चल रहा है उसमें एक जो बहुत क्रिटिकल टॉपिक आपका होता है दैट इज क्रेशिंग, राइट. तो आज शाम को 5 बजे होने वाला है आपका फ्री स्पेशल क्लास, क्रेशिंग ऑफ अ नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर गेट 2022. तो न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क का आएगा, एकदम आराम से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया था, कंसेप्ट मैंने आपको कल ही दे दिया था माय फ्रेंड. बट जो न्यूमेरिकल आपका आने वाला है इस साल गेट एग्जाम में वो आपको मैं दे दूंगा, कंसेप्चुअली वो सेम होगा. एंड रात को 10 बजे जैसे कि हमने प्लान किया था विल बी हैविंग अ एप्टीट्यूड सेशन ऑफ 30 to 50 मिनट. दोनों फ्री रहेंगे. हाउ टू गेट एक्सेस फॉर द फ्री क्लासेस, यू कैन अनलॉक द फ्री फीचर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म बाय जस्ट डाउनलोडिंग द अनअकैडमी ऐप. You can use my name Pujan to unlock the free sessions. तो मेरी प्रोफाइल का लिंक जो ये हमारा BRC का क्लास होने वाला है, इट विल बी ट्वाइस अ डे, ट्यूजडे एंड थर्सडे 8:30 PM. ठीक है,
दिस इज माई अनएकेडमी प्रोफाइल, यू कैन सर्च माई नेम पूजन दावड़ा, कहीं पर भी आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। यू कैन एक्सप्लोर द प्रोफाइल, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा एंड इफ यू आर विलिंग टू गेट रैंक देन आपको प्लस कंटेंट भी मिलेगा। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोस्ट अवेटेड कोर्स ऑफ गेट 2022। ठीक है, तो दिस इज द प्रोफाइल, दिस इज द रेफरल कोड पूजन, दिस आर द फीचर्स ऑफ आर स्पेशल क्लास जो कि आपके होते हैं डेली, होते हैं डेली आपके होते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स, लीडर बोर्ड, रिमाइंडर आपको दिया जाता है, लेक्चर के नोट्स यू कैन डाउनलोड इन फॉर्म ऑफ PDF, कभी भी किसी भी टाइम पर आप वहां पर एक्सेस उसका कर सकते हैं। कमबैक विच इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट विच विल बी ऑन 22nd of August, सुबह 11 बजे, 60 मिनट्स, 20 questions एंड यू कैन विन अप टू फुल स्कॉलरशिप इफ यू आर गेटिंग 100%, इफ यू आर गेटिंग टॉप 100 रैंक then this is the scholarship, right? And these are the batches, double digit rank batch for your gate exam, for your gate 2022 or gate 2023. Accelerate and Aarohan batch, so this is the most exciting batch. You can enroll yourself in accelerate batch, right? Pravin Kulkarni sahab wahan par maujood hai, SK Mondal sir, Negi sir and Gil sir, these are the top faculties. Aditya Gupta sir, aap ये सारे फैकल्टीज का क्लास वहां पर देख पाएंगे, कंप्लीट कोर्स। तो फ्री कंटेंट पसंद आने पर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है तो गो फॉर द प्लस प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड ड्यूरेशन। फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको? करंटली आपके डाउट सोल्व नहीं हो पाते, करंटली आपके डाउट सोल्व नहीं हो पाते माई फ्रेंड, तो वहां पर आपका हर फोर्थ सेशन में आप फैकल्टी को डाउट पूछ पाते हैं रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट जो कि आपका चल रहा होता है। एंड कभी भी आप अपना डाउट अपलोड कर पाते हैं अपने अनएकेडमी ऐप पर एंड कुछ ही घंटों में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय आवर एजुकेटर्स। रैंक इंप्रूवमेंट आपको करना है तो प्लस ज्वाइन करना है आपको। आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक में थोड़ा फैसिलिटी आपको ज्यादा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि सर आई वॉन्ट सम मोर फैसिलिटीज, आई वॉन्ट सम मोर अटेंशन, तो पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलता है, स्टडी प्लानर आपको माय फ्रेंड मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको मिलते हैं एंड पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाता है। कोड क्या होगा, सक्सेस का कोड क्या होगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर प्रिपेयर करना चाहते हैं, सक्सेस का कोड आपका होगा पूजन। वाई सो? बिकॉज मेरी ओर से आपको एक फ्री पोस्टल ऑप्टिमाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा। आई वॉन्ट जितने भी एस्पिरेंट मेरे पास आए उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर कम एस्पिरेंट आते हैं नो वरीज, बट सिंसियर एस्पिरेंट आर मोस्ट वेलकम ज्वाइन माई पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। एंड फॉर यू गाइज देर इज वन ऑनगोइंग ऑफर, जिसका मतलब 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 मंथ का स्टेट गवर्नमेंट का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, 12 मंथ के साथ 2 मंथ का गेट का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, 24 मंथ के साथ 4 मंथ का गेट का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री, साथ ही साथ 3 महीने एंड 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। द मोस्ट पॉपुलर प्लान इज ऑफ 1 ईयर प्लान, 1.5 ईयर प्लान एंड 2 ईयर्स ऑफ प्लान प्लस। तो आज डिसाइड करेंगे कि क्या आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपकी अंदर से आवाज आती है हाँ, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन यूजिंग दिस कोड। आइकॉनिक में आपके ऑप्शन होते हैं 45K फॉर 1 ईयर एंड 66K फॉर 2 ईयर्स। And if you are finding any errors in any of your YouTube classes on this YouTube channel of Unacademies, then you can just report the errors and you can just win the rewards. So today which subject you are doing to take, we are going to take, so today's subjects will be strength of material and aapka ho jayega theory of muscles. These are the subjects. Question will be on your screen or options will be there. I will be focusing on tome also because there is very limited quality content available for the tome. राज पटेल जी सर सोम में दिक्कत आ रही तो इसलिए तो सोम के क्वेश्चंस मैंने सबसे पहले ऐड किए। सोम में अगर आपको दिक्कत आ रही तो सोम के क्वेश्चंस मैंने सबसे पहले आज क्लास में अवॉइड किए, फिर आपके टोम के क्वेश्चंस आएंगे। दीज आर द मोस्ट
conceptual questions. A simply supported beam with an overhanging end. एक एंड आपका ओवरहैंगिंग था. इज लोडेड एज शोन इन द फिगर. तो आपका इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म. इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म. राइट, इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म. इंटेंसिटी इज 2 किलो न्यूटन पर मीटर. एक मीटर का अगर वो आपका होगा तो इट विल गिव यू 2 किलो न्यूटन ऑफ लोड. द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर इन द बीम इज. ये पूरे बीम में कोई एक सेक्शन ऐसा होगा जहां पर आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी, तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपकी कितनी होगी? 0.5, 1.0, 2.0 और 4.0. दीज आर योर ऑप्शंस. आराम से सोचिए, टेक योर टाइम. इन द मीन टाइम जस्ट शेयर द सेशन. Hit the like button. तो यार हमको पता है कि we want to find support reactions, right? तो आस्था जी, please check your answer once again. राज पटेल जी, please check your answer once again. राजेश जी, please check your answer once again. दोबारा check करेंगे because I think your answer is not correct. कुछ गलती है आपके answer में, तो please check your answer once again. राम यादव जी, ओके. कितुल शाह जी, राजेश जी, तो यस. तो यार यहाँ पर देखो, मैंने आपको यही बताया था कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपकी स्क्रीन पर, बट सभी क्वेश्चन को आपको अटेंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा. इफ यू आर गोइंग टू अटेंड 50 क्वेश्चंस एंड 50 के 50 क्वेश्चन आप सही करते हैं, देन यू आर डन. बट ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में छोटी छोटी गलती कर दी, फिर काम बिगड़ गया. सबसे पहली बात हम यही करते हैं यहाँ पर. अब सबसे पहली बात ये करते हैं कि अगर आपका एक कैंटिलीवर, अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था, दीज आर द सपोर्ट्स, सपोर्ट रिएक्शंस. तो जो अप्लाइड लोड था उसको एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं. अप्लाइड लोड क्या था? इट इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 2 किलो न्यूटन पर मीटर. इसकी लेंथ कितनी थी? द लेंथ ऑफ दिस इज 2 मीटर. यूनिफॉर्म था तो सीजी पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो सीजी आपका आएगा यहां पर. तो अप्लाइड लोड इज 4 किलो न्यूटन. बिकॉज़ वी वांट टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, वी कैन से. फिर आपको ये पता चला इफ यू आर टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट. अगर इसके अबाउट आप मोमेंट जीरो लेते हैं ना, ले सकते हैं, तो दिस रिएक्शन फोर्स विल बिकम जीरो. ये रिएक्शन फोर्स आपका जीरो बन जाएगा, राइट, क्योंकि कोई मोमेंट क्रिएट हो ही नहीं रहा था. तो यहां पर तो जीरो आएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 4. नाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो इट इज अ कंप्लीटली सिमेट्रिकल फिगर. आपका फिगर हो चुका है इस तरह का, आपका फिगर हो चुका है इस तरह का. तो यहां पर तो कुछ था ही नहीं, ये तो कुछ था ही नहीं. एंड बीच में आपका था सपोर्ट, बीच में आपका था सपोर्ट. तो मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होगी? आप यहां भी सेक्शन काट सकते हैं, जस्ट यहां पर यू कैन कट द सेक्शन, और जस्ट यहां पर आप सेक्शन को काट सकते हैं. दिस लेंथ्स आर ऑफ 1 मीटर, राइट. तो अब आप अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं, तो ये जो लोड लग रहा था, इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, मिड पॉइंट, जो कि होगा 2 किलो न्यूटन का. यहां पर भी कर सकते हैं, इट इज ऑफ 2 किलो न्यूटन. एंड अगर आप अब मोमेंट फाइंड करते हैं, तो दिस लोड इनटू डिस्टेंस इज 0.5, राइट. तो बेंडिंग मोमेंट आपकी आ जाएगी 2 × 1/2. यूनिट आपका था किलो न्यूटन, डिस्टेंस आपका था मीटर. तो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन बी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? गेट में अगर क्वेश्चन आपका आता है, तो वहां पर एनएटी आ सकता है, बट बीआरसी में आपका एनएटी क्वेश्चन नहीं होते. ऑल द क्वेश्चंस विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस. ध्यान रखेंगे, सोम मेयर कभी भी आपके पास कोई बीम आता है ना, कोई भी बीम आए, तो सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शंस आपको बहुत कुछ चीज बताते हैं.
वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्या बताया कि दिस इज द पोर्शन जहां पर कोई लोड ही नहीं था, ना कोई लोड था ना कोई मोमेंट थी, कुछ भी यहाँ पर नहीं था, तो उसको आपने काट दिया। फिर आपका हो गया मेन पोर्शन जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम अ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सौ सेकंड का टाइम मिलेगा। एट लर्नर्स आर लाइव एंड लाइक्स आर फाइव। तो अगर आपके अंदर जोश नहीं है, अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है पढ़ने का, बीआरसी का साइंटिफिक ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात होती है। वहां अगर आपको पहुंचना है तो बहुत ज्यादा जोश आपके अंदर होना चाहिए, राइट? ओके, तो वी हैव रिसीव्ड आंसर्स फ्रॉम राजेश सी एंड सुरेश नायक जी। तो टू आंसर्स टिल नाउ, अभी तक दो आंसर आ चुके हैं फ्रॉम टू एस्पिरेंट्स। तो ये कंसेप्ट भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बिकॉज माय वर्क इज टू गिव यू सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि लॉन्ग टर्म में आप जब अपियर करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाना चाहिए। अ 0.2 mm थिक टेप, एक टेप थी जिसकी थिकनेस थी 0.2 mm। तो टेप क्या होती है, इट इज अ रेक्टेंगुलर, थिकनेस इसकी गिवन थी आपको 0.2 mm। गोज ओवर अ फ्रिक्शनल पुली ऑफ 25 सेंटीमीटर डायमीटर, उसको आपने रेप कर दिया अराउंड दिस फ्रिक्शनल पुली, पुली अराउंड आपने रेप कर दिया। यहां पर फिगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज फिगर आपको बहुत कुछ आइडिया दे देती है विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन। इफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज 100 GPa, राइट, इतना उसका है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द टेप इज, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो मुझको ये बताइए कि यार कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, बिकॉज बहुत सारे तरह के स्ट्रेस होते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस आपका होता है, टोर्सनल सीयर स्ट्रेस आपका होता है, नॉर्मल स्ट्रेस आपका होता है, एंड डायरेक्ट सीयर स्ट्रेस आपका होता है। यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस होगा ना, मैंने बताया था आपको कि क्लेरिफाई नहीं किया होगा, आपको सोचना होगा कि भाई कौन सा स्ट्रेस यहाँ पर होने वाला है, बिकॉज इसका फॉर्मूला सभी को पता है, बट ये पता चलना चाहिए कि कौन सा मतलब यूज होना होगा, राइट? तो आपने क्या किया, सिंपल सी बात कि अगर आपने इस टेप को बेंड कर दिया, स्टेप को आपने बेंड कर दिया, तो कौन सा स्ट्रेस होगा जनरेट, बेंडिंग स्ट्रेस, ओके। तो क्या आपको बेंडिंग का इक्वेशन आपको पता है, बेंड किया है ना आपने, डू नो द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग, यस, सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल्स टू एम बाय आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। एग्जाम में आपको क्या गिवन है, यंग्स मॉडुलस इज गिवन टू यू, ई कितना था आपका 100 GPa, ओके, व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज दिस डायमीटर आपका ये था, तो मुझको ये बताए कि जिसके अबाउट व्हाट इज आर, ये होती है आपकी बेंडिंग रेडियस, दिस इज बेंडिंग रेडियस की जो रेडियस बना था बेंड होने के बाद, इट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। तो जो आपने टेप को बेंड किया था जिसके ऊपर, तो ये पूरी ये रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस तो कॉन्स्टेंट होगी, सर्कल था, व्हाट इज दिस रेडियस, तो रेडियस आपकी हो गई 25/2, रेडियस आपकी हो गई 25/2 इंटू 10^-2। वी विल काउंट इन मीटर, मीटर में लेते हैं यहाँ पर सब कुछ हम, ठीक है। तो रेडियस आपको गिवन थी, तो अब आपको पता चला
बेंडिंग स्ट्रेस पूछा था, बेंडिंग स्ट्रेस आपको पूछा था, ई गिवन था, आर गिवन था, तो ये तीन में से कोई दो टर्म आपको यूज करने होते हैं, तो हमने यहां से इसको हटा दिया। ओके एंड अगर आपका क्रॉस सेक्शन माय फ्रेंड रेक्टेंगुलर था, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फंडामेंटल ये होता है कि न्यूट्रल एक्सिस से जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, बिकॉज बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू ई बाय आर विच इज कॉन्स्टेंट इंटू वाई। तो थिकनेस आपकी कितनी थी, थिकनेस आपकी थी 0.2 mm की, इट विल बिकम 0.1 mm। यस, तो यंग स्टूडेंट कितना था, तो वी विल पुट इन मेगा पास्कल, तो 100 इंटू 10 रेस टू 3। वाई कितना था आपका 0.1 mm, वी वॉन्ट इन मीटर्स। आर कितना था, रेडियस आपका था 25, यहां पर आपका हो गया 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। क्या बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, इट विल कम इन मेगा पास्कल, दिस विल कैंसल आउट, कैंसल आपका होगा राइट, ये आपका बन जाएगा 4, 8 इंटू दिस 80 मेगा पास्कल इज करेक्ट आंसर। तो आप सुनेंगे सर ये डिस्टेंस आपने मतलब ये क्यों लिया, तो व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस आपका था ये वाला, तो जो मटेरियल में आपको पूछा था बेंडिंग स्ट्रेस वो मटेरियल का न्यूट्रल एक्सिस एंड वहां से आपने डिस्टेंस लिया। रेडियस क्या माना, रेडियस हमने मान लिया दिस, तो कुछ लोगों को डाउट था कि सर रेडियस में आपने इसको ऐड क्यों नहीं किया, तो आप ये सोचिए कि दिस रेडियस इज ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, तो आपने थिकनेस का हाफ भाग सर क्यों ऐड नहीं किया, क्यों आपने टी प्लस आपने ये 0.1 mm ऐड क्यों नहीं किया, इट इज वेरी नेग्लिजिबल, तो वो ऐड नहीं किया जाता वहां पर, ठीक है, वो बहुत ही इट इज वेरी नेग्लिजिबल डायमेंशन, दिस डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आंसर आपका आएगा मेगा पास्कल, यूनिट आप ध्यान रखेंगे इट इज 80 मेगा पास्कल। ओके चलिए, तो बीआरसी के साथ साथ आपका गेट का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम की ओर से अगला क्वेश्चन। Great answers were from Omkar ji, Ketul Shah ji and Ram Yadav ji and Suresh Nayak ji and Rajesh. The beam ABCD with simple supports at A, B and D and an internal hinge at C is subjected to loads as shown in the figure. The reaction at middle support B is 45, 22.5, 90 or 11.25 kilonewtons. चलिए, तो सपोर्ट रिएक्शन यार बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सोम इज ऑल अबाउट सपोर्ट रिएक्शंस, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, टॉर्सनल सीयर स्ट्रेस, यहीं पर आपका खत्म हो जाता है सोम। Okay, so correct answers are coming from few aspirants, Omkar ji, Rahul ji, very good. Confidence built up हो जाना चाहिए, because competitive exam is all about internal confidence. जितना confident आप अपने आप में होंगे उतना ज़्यादा आप इतना result ला पाएंगे। तो मैं highlight करूँगा, there is a word called internal hinge. Internal hinge का property क्या होता है, क्योंकि यहां पर तीन सपोर्ट रिएक्शंस आपको मिलेंगे, जब तक आपके दो सपोर्ट रिएक्शंस आपको होते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब जब आपके तीन सपोर्ट रिएक्शन पिक्चर में आएंगे तब तब आपको एक इंटरनल हिंज दिया होगा, ठीक है, तब तक आपको एक इंटरनल हिंज दिया होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी एट इंटरनल हिंज,
तो इंटरनल हिंज जब आपका होता है वहां पर अगर आप सेक्शन कट करते हैं, वहां पर आपके जो सेक्शन कट होता है ना, तो कोई भी एक साइड कंसिडर कर सकते हैं। यहां से अगर राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड पोर्शन लोडिंग विल मेक जीरो बेंडिंग मोमेंट, राइट हैंड साइड पोर्शन विल मेक जीरो बेंडिंग मोमेंट, तो दिस विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट, इट विल क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, डिस्टेंस डबल हो गया तो लोड आपका हाफ हो जाएगा। तो अगर एक सपोर्ट रिएक्शन आपको मिल गया देन देर इज नो इश्यू, क्या ये क्लियर चीज है? तो आप उस साइड के सेक्शन में जाएंगे जहां पर अननोन एक ही होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते तो अननोन दो थे, तो अल्टीमेटली आप कुछ नहीं कर पाते। राइट हैंड साइड अननोन आपका एक था, वहां पर आपने फाइंड कर लिया, नाउ मोमेंट इज जीरो, अब आपका काम खत्म। यू हैव टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन एट बी, वर्टिकल होगा तो यू कैन टेक मोमेंट अबाउट A इज इक्वल्स टू जीरो, सिंपल सी बात। A का सपोर्ट रिएक्शन आपको नहीं जानना भी नहीं था, पता भी नहीं था, तो इट विल क्रिएट क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, तो 20 × 2 + 20, डिस्टेंस कितना था? ये था डिस्टेंस आपका 2 का, इसका डिस्टेंस आपका था 2, 4, 6, ओके 20 × 6, एंड ये भाई साहब आपका माइनस होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको लेते हैं हम 10 वाला का, तो यहाँ पर दिखा देते हैं ना इसको 10 × 7, इसका भी होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस रिएक्शन एट बी इंटू डिस्टेंस आपका था 4 का, तो 40 + 120 + 40 = 160 - 70/4, तो दिस रिएक्शन फोर्स विल कम 90/4, तो 45/2, तो 22.5 kN। यहां पर थोड़ा टाइम आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, डिस्टेंस यहां पर डबल हुआ तो लोड आपका हाफ होता है टू क्रिएट द सेम मोमेंट, राइट? 20 यहां पर था, 10 kN आपका यहां पर था, ये सब आपकी चीज होगी। तो इट वॉज वी कैन से इजी क्वेश्चन, this is the question, this is the most awaited question, or we can say shandar question, or we can say wo question jo question ka correct answer, agar aap correct answer iska laate hain and minimum possible time mein aap laate hain to aapka selection ho jayega for the interview round। राहुल जी बोल रहे हैं कि सर बीआरसी के लिए और क्लासेस लीजिए, तो यार बीआरसी के लिए आई थिंक आपको इस चैनल पर 3 क्लास मिलते हैं। मेरा क्लास होता है बीआरसी के लिए, मेरे पहले भी एक क्लास होता है एंड मेरे बाद भी एक क्लास होता है, ऑलरेडी मेनी क्लासेस आर गोइंग ऑन। मेरे क्लास हफ्ते में 2 बार ही होते हैं, बट बाकी फैकल्टीज रोज क्लास लेते हैं, आई थिंक ये क्लास आपको रोज मिलेंगे। Because I have a very limited time, I have to cover one subject, industrial course, antim base mein chal raha hai, yahan par bhi mera contribution rehta hai, I have to also teach on the plus platform, I have to teach on the special classes, so this is what I can do as of now। Hamara aptitude ka course bhi chalta hai for second year third year aspirants, I am trying to help a maximum possible audience, right? तो क्वेश्चन देखकर डर तो बहुत लगता होगा, क्वेश्चन देखकर आपको डर तो बहुत लगता होगा, क्योंकि यार क्वेश्चन थोड़ा डरावना दिखता है, जब जब स्प्रिंग वगैरह आ जाते हैं ना तब तक डरावना लगता है, क्वेश्चन लगना भी चाहिए, बट बिलीव मी इसका आंसर बिलीव मी इसका आंसर आप 10 सेकंड में कर सकते हैं विदाउट
using your pen, without using your paper, if you are conceptually clear. So one answer from Rajesh ji, one answer from Suresh Naik ji. Okay, Omkar ji ne answer bataya, to bataiye kya approach use karenge hum, what should be the perfect approach, kaun sa tarika yahan par use karna sahi rahega. क्योंकि यार सभी एस्पिरेंट्स को मतलब एक ही फॉर्मूला पता होता है कि फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल अप्लाइड लोड पी एट द फ्री एंड, वी जस्ट नो दिस फॉर्मूला कि डिफ्लेक्शन आपका होता है पी एल क्यूब बाय 3EI. तो अगर इतना पता होगा ना तो मेरे क्लास में आपका काम चल जाएगा, आपको कोई भी डिफिकल्ट, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स कुछ भी आपको नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू नो दिस फॉर्मूला. लास्ट क्लास में जो वाइब्रेशन के क्वेश्चन थे वहां पर भी यही फॉर्मूला से हमारा आंसर आ गया था. इन माय क्लास यू जस्ट नीड बेसिक फॉर्मूलास, राइट. तो आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपका यहां पर एक फिक्स एंड था एंड यहां पर आपने लोड लगाया P, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज K, तो टेल मी कि व्हाट इज इलोंगेशन, यहां पर आपका इलोंगेशन कितना होगा. व्हाट विल बी द इलोंगेशन, इतना मुझको बताइए. तो यू विल से कि P by K, ठीक है. बट अब मैंने आपको बताया कि यार किस्सा इस तरह का था, यहां पर आपका फिक्स्ड एंड था, यहां पर भी आपका फिक्स्ड एंड था, एंड दीज आर योर स्प्रिंग्स. एंड नाउ यू हैव अप्लाइड द सेम लोड P over here, spring constants are same. अब elongation कितना होगा, तो आपको पता है this spring will elongate, इसका होगा plus, इसका होगा minus, but we know that distance between this support is constant. तो एक spring जितना elongate होगा, एक spring जितना elongate होगा उतना ही दूसरा spring आपका compress होगा. अब मुझको बताइए कि इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी हो कितना होगा. अर्लियर इट वॉज पी बाय के, आपका जो इनपुट था इट इज सेम. अर्लियर दिस इनपुट वॉज टेकन बाय ओनली वन स्प्रिंग, बट नाउ दिस इनपुट इज बीइंग टेकन बाय द टू स्प्रिंग्स. जस्ट कमेंट व्हाट विल बी द न्यू इलोंगेशन और कंप्रेशन, अब क्या होगा आपका. तो आपको पता चलेगा कि सर ये पी लोड को है ना दो काम करने थे, ये लोड पी को दो काम करने थे. एक काम उसका क्या था कि इसको इलोंगेट करो आप, दूसरा काम क्या था कि भाई इसको आप कंप्रेस करो. दोनों का काम सेम करना था. तो क्या आपको नहीं लगता कि दिस पी बाय टू लोड विल एक्सटेंड एंड दिस पी बाय टू लोड विल कंप्रेस, क्या आपको ये चीज लगती है. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आर इक्वल, इलोंगेशन आप बोल सकते हैं P by 2K, ये भी होगा आपका P by 2K. तो इतना इजी क्वेश्चन तो आपने 11, 12 में किया था ना. ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा था इट इज द सेम क्वेश्चन, वाई सेम. तो जब आपको इस लोड को आपने यहां पर अप्लाई किया था एट द फ्री एंड, तो वो लोड को दो काम करने थे. उसका एक पार्ट इसको कंप्रेस करेगा, दूसरा पार्ट इसको डिफ्लेक्ट करेगा बीम को. यस और नो, बिल्कुल सही. तो
क्योंकि स्टिफनेस आपको पता होनी चाहिए ताकि लोड का पता चले. तो व्हाट इज स्टिफनेस? एफ इज इक्वल्स टू के इनटू एक्स. स्टिफनेस इज नथिंग बट लोड बट ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो फॉर कैंटिलीवर बीम टू गेट डिफ्लेक्शन इन दिस रिक्वायर्ड डायरेक्शन डेल्टा एल आपका होता है पी एल क्यूब बाय 3EI. तो लोड बटे डिफ्लेक्शन विल गिव यू बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ दिस बीम. याद रखना था मैंने बोला था 3EI बाय एल क्यूब. इसकी बेंडिंग स्टिफनेस आपकी थी 3EI बाय एल क्यूब एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के आपका था 3EI बाय एल क्यूब. मतलब जितना स्टिफ ये स्प्रिंग था उतना ही स्टिफ ये बीम था. This is a system of these springs, we can say. Right, दोनों का स्टिफनेस आपका सेम था. Now you have applied the load P. तो होगा क्या ना, होगा ये कि यहां से P by 2 load कहां जाएगा पता है? Half load will be acting on the beam. And half load will dedicatedly act on the spring. So now you have to tell the deflection. What is delta L of this cantilever beam? P L cube by 3EI if your load is P. But aapka load tha P by 2. So P by 2 L cube by 3EI. So you know that ki coefficient will become 1/6. 1.6 वाला आपका ऑप्शन होगा ओनली वन क्योंकि आपका था बी. तो इज इट क्लियर? दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन इन द एंटायर वर्ल्ड. यहां पर आपने कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं किए. राइट, जो स्टेप्स जनरली होते हैं वो मुझको भी पता है बट वो स्टेप्स में फेल नहीं होता. क्या यहां पर आपने फेल किया? आपने यहां पर फिलिंग भी लिया होगा. राइट, आपने यहां पर बिल्कुल फिल किया होगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स. You read the question by yourself and you'll give the answer. Then after 100 seconds, I will be helping you. Today at 5 PM we'll be having discussion on one very important problem, which is a crashing of a network. This special class which is free of cost, 5 PM. रात को 30 to 45 मिनट का क्लास आपका होगा एप्टीट्यूड का 10 PM. दिस इजी क्वेश्चन बोलेंगे, इजी नहीं बोलेंगे, चलो मीडियम बोलेंगे. ठीक है, इजी नहीं था, थोड़ा मीडियम था. A L-shaped bar of a square cross section with sides B is loaded as shown in the figure. Cross section is of length B. If the value of the stress component sigma x at point P is 0, तो एक पॉइंट पी था वहां पर जो स्ट्रेस चल रहा है ना, स्ट्रेस कंपोनेंट,
एक्सियल स्ट्रेस दिस जीरो. द डिस्टेंस ए ऑफ फोर्स एफ फ्रॉम द एक्स एक्सिस शुड बी, डिस्टेंस ए कितना होगा इन फॉर्म ऑफ बी, द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. वी नो दैट कि वी हैव टू ट्रांसफर द लोड. ये लोड को अगर आप ट्रांसफर करेंगे यहां पर, इट विल बिकम एफ एंड इट विल क्रिएट वन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एफ इंटू ए. तो जो आपका एक्सियल फोर्स था, इट विल क्रिएट एक्सियल स्ट्रेस, टेंसाइल क्रिएट करेगा. पूरे सेक्शन का मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा ताकि आपको पता भी चले. एंड बेंडिंग वाला जो होगा विल कंप्रेस टू द अपर पोर्शन. तो बेंडिंग स्ट्रेस आपका होगा, इट इज लीनियर प्रोफाइल मैक्सिमम एट द एंड्स. बेंडिंग वाला आपका होगा इस तरह का प्रोफाइल. एंड वी हैव टू कंसिडर द पॉइंट विच इज एट टॉप मोस्ट फाइबर. तो उसका आपका नेट स्ट्रेस जीरो हो सकता है बिकॉज एक पॉजिटिव था, दूसरा आपका नेगेटिव था. टेंसाइल, ये था आपका टेंसाइल, ये आपका था कंप्रेसिव. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो ये कितना होता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, तो लोड बटे एरिया. तो ये आपका होगा प्लस लोड बटे एरिया, एरिया इज बी स्क्वायर. व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस? तो सिग्मा बी बाय वाई इक्वल टू एम बाय आई. बेंडिंग मोमेंट आपकी थी एफ इंटू ए, बेंडिंग मोमेंट आपकी थी एफ इंटू ए. What is I of a square cross section? It is 1 by 12 into b raised to 4. And y आपका maximum कितना होता है? Maximum y आपका होता है b by 2. We have to just put the values. कितना आ रहा है ये value बताइए? What is this value? ये कितना आ रहा है? So it will come. ये आपका आएगा minus f इंटू सिक्स इंटू ए इंटू बी क्यू. क्या ये आ रहा है सभी का? सिक्स आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, सिक्स इंटू ए. यस, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल. तो सिक्स के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, दिखाई पड़ेगा. सिक्स वाला आपका एक ही ऑप्शन होगा. तो आपको मिला बी इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स ए. B इक्वल टू छः गुना होगा A का. पूछा था आपको A, A आपका हो गया B बाय सिक्स. बट जो आपका बॉटम मोस्ट फाइबर होगा वहां पर जो इतने पॉइंट्स होंगे वहां पर आपका स्ट्रेस का सम होगा, वहां पर जीरो नहीं होगा, राइट. अब मुझको बताइए कि ये पॉइंट को अगर मैं Q बोलूँ तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा? Q पॉइंट पर स्ट्रेस कितना होगा? टोटल स्ट्रेस कितना होगा एट पॉइंट Q? ऊपर था क्यू नीचे था, वॉट इज टोटल स्ट्रेस? क्यू. जस्ट टेल मी इन द कमेंट. दिस इज, यहां पर आपको मैथमेटिकल ही करने हैं. नॉर्मल स्ट्रेस एट क्यू. आई वॉन्ट मैग्नीट्यूड एंड यू कैन कमेंट. एडिशन होगा, एडिशन होगा. तो यस, तो आपको पता था. ओके, वन आंसर फ्रॉम सुरेश नायक जी, वन आंसर सुरेश नायक जी. तो यहां पर क्या होगा कि दिस इज ऑफ, ये मैग्नीट्यूड आपका मतलब ओवरऑल जीरो था, तो दिस विल बिकम एफ बाय बी स्क्वेयर. ये आपका होगा नेगेटिव एफ बाय बी स्क्वायर, राइट. तो ये आपका होगा नीचे वाला प्लस एफ बाय बी स्क्वायर. ये तो जीरो हुआ, प्लस माइनस जीरो हुआ, राइट. तो ये आपका हो गया. तो यहां पर आपका ये तो कॉन्स्टेंट था यहां पर डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में, तो एफ बाय बी स्क्वायर प्लस एफ बाय बी स्क्वायर तो आपका हो गया टू टाइम्स, आपका हो गया टू टाइम्स एफ बाय बी स्क्वायर. तो इस तरह क्वेश्चंस आपके होंगे जहां पर आपको लॉजिकली भी सोचना होगा, सीधे फॉर्मूला के साथ आप आंसर नहीं भी निकाल सकते.
चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ सोम, देन वी विल बी स्टार्टिंग टॉम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जरूर लाइक करेंगे, एंड जो भी आपका फीडबैक हो माय फ्रेंड, कमेंट में आप फीडबैक जरूर से लिखिए, ताकि जो एस्पिरेंट कमेंट देखेंगे उनको पता चलेगा कि व्हाट इज द क्वालिटी कंटेंट, व्हाट इज रिलेवेंसी एंड व्हाट इज शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स। दीज आर द क्वेश्चंस, तो एग्जैक्ट सेम थीम और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ डीआरसी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ डेटा। फिगर जो आपको दिखाई दे रहा हो, फिगर आपको इजडीस वहां पर मिलेगा, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये सीरीज में से मिलेंगे। आई बी टेकिंग 6 to 7 सेशंस, ये 6-7 सेशन आपको मिलेंगे मेरी ओर से, उसमें से बहुत क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। Want to connect with you personally throughout the preparation duration, then you are most welcome. Join me as your personal mentor by subscribing using a referral code. This is a code for success on this platform. Complete access of the platform plus a free postal study material from my side, and WhatsApp वगैरह पर आप मेरे साथ connect रहेंगे थ्रू आउट ड्यूरेशन, तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग योर पेन पेपर और एनी अदर स्टेप्स। ओके, तो टू आंसर्स फ्रॉम टू एस्पिरेंट्स, ओमकार जी एंड केतुल साध, तक दो आंसर्स मिले हमको। ओके, थ्री आंसर्स। तो मैंने क्या बताया था कमेंट में लिखिए, कि मैंने ट्यूसडे वाले क्लास में क्या बताया था, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर लोड लगा होता है, फिर पूछते हैं कि भाई स्ट्रेस कितना आएगा, रिफ्लेक्शन कितना आएगा, इलास्टिक मेंबर्स को क्या कंसीडर करते हैं हम, इज इट अ स्प्रिंग, इज इट अ स्प्रिंग और नॉट, क्या इसको आप स्प्रिंग बोल सकते हैं, स्प्रिंग बोलेंगे तो मजा आएगा, कुछ भी बर्डन नहीं लगेगा, स्प्रिंग्स आर अवर फेवरेट, स्प्रिंग बहुत फेवरेट आपकी होती है, चल कूद करते रहते हैं लोग, ठीक है। तो व्हाट इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू लोड बटे यूनिट डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा था तो डिफ्लेक्शन आपका होगा एक्सियल, तो डेल्टा एल पता होना चाहिए। ये व्हाट इज पी बाय डेल्टा एल, दिस स्टिफनेस ए बाय डेल्टा एल, स्टिफनेस आप लिखेंगे लेंथ आपकी दोनों की सेम थी, मटेरियल भी आपका सेम था, ये भाई साहब का एरिया डबल था, यहाँ एरिया हाफ था, तो कैन यू से कि दिस के वन इज इक्वल टू, अगर आप के बोलते हैं तो एरिया डबल था तो उसका स्प्रिंग स्टिफनेस आपका डबल हो गया, कैन यू कमेंट। अप्लाइड लोड विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट विल एक्सटेंड, इसका होगा एक्सटेंशन,
एंड ये भाई से आपका होगा कंप्रेसर। ठीक है, लोड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू के इंटू एक्स, बट जितना इलोंगेशन उतना ही कंप्रेशन, तो लोड इज इक्वल टू स्प्रिंग स्टिफनेस। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर लोड डबल चाहिए, जहां पर स्टिफनेस ज्यादा होगी वहां पर लोड आपको डबल चाहिए। तो अगर यहां पर आप लोड एफ बोलते हैं तो यहां का लोड आपका होगा 2F, दोनों लोड का सम आपका हो गया 3F इक्वल टू पी। तो लोड आपका मिल गया पी बाय 3, मतलब ये होगा पी बाय 3 लोड। अब मैं इरेज कर रहा हूं सारी चीजों को, पी बाय 3 लोड यहां पर कंट्रीब्यूट होगा, बाकी बचा 2 बाय 3 पी यहां पर कंट्रीब्यूट होगा, टोटल लोड आपका हो जाएगा पी। स्ट्रेस पूछा हुआ है आपको एबी में, सेक्शन काट दिया इसको तो आपने अलग कर दिया फिगर, इट इज कंप्लीट डिफरेंट फिगर्स। नोटिस स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस आपका था ना, लोड बटे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया था आपका यहां पर ए, इट इज पी बाय 3 ए। यस और नो? स्टिफनेस अगर इक्वल होती जैसे यहां पर थी तब आपके लोड दो इक्वल पार्ट में बढ़ चुके थे, यहां पर इक्वल नहीं थी, तो जिसका स्टिफनेस ज्यादा उसको उस प्रपोर्शन में आपको लोड प्रोवाइड करना होगा। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। तो हमने सोम के जो क्वेश्चन डिस्कस किए, सोम के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हमारी बारी आती है टोम की, थ्योरी ऑफ मशीन्स। नहीं पता तो अटेंड नहीं करेंगे, बट नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। There is a bar AB which is having the position shown in the figure. The bar AB is making angle theta with respect to horizontal and is pushed to the right with constant velocity VA equal to 0.6 meter per second. The angular velocity of bar AB is a function of theta. Theta के form में आपका bar AB का omega कितना होगा? सारे options आपको given है, 0.6 times sine square theta,
0.6 टाइम cos थीटा, 0.6 टाइम sin थीटा और 0.6 टाइम tan थीटा। तो ओमकार जी इज सेइंग सर 0.6 tan थीटा, तो नो। राजेश जी सेइंग सर 0.6 tan थीटा, आई सेड नो। प्रसन्न कुमार जी सेइंग 0.6 tan थीटा, स्टिल सेड नो। दोबारा करेंगे इसको सोल्व। गलत आंसर से सभी के। राज पटेल जी इज सेइंग सर 0.6 को, प्लीज चेक वंस अगेन, कुछ गलती हो गई है वहां। एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन यार जब जब आते हैं तब तब स्टूडेंट पता नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, डर लगता है जैसे कि यार क्या भी हो गया, मतलब डर लगता है कि ओमेगा सुनने से। ओमेगा क्या होता है, किसी भी लिंक का ओमेगा क्या होता है, किसी भी लिंक के लिए ओमेगा क्या होता है। तो वी कैन टेक वन रेफरेंस एक्सिस, तो दैट रेफरेंस एक्सिस के साथ दैट लिंक इज मेकिंग वन एंगल थीटा, एंड इन द सम ऑफ द केसेस दिस एंगल थीटा कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अगर ये मूव करेगा तो एंगल आपका होगा इंक्रीज। वेन एवर दिस एंगल चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ओमेगा of the link in the simplest possible manner. सबसे simplest manner में आप बता सकते हैं omega is equal to d theta by dt. Theta आपका होता है radian में, time आप लेते हैं second में, that's why unit of omega is radian per second. Angle आप measure करते हैं radian में, yes or no? तो दिस साइड इज ऑफ 1 मीटर, दिस साइड इज ऑफ 1 मीटर। यू डोंट नो लेंथ ऑफ दिस एसी, उसका लेंथ आपको नहीं पता। यू ऑल्सो डोंट नो दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ, बट वी नो द वेलोसिटी वी ए विच इज कॉन्स्टेंट। तो डी गलत आंसर आपका था, ठीक है, डी भी आपका गलत है, आप ट्राई करेंगे दोबारा, दोबारा से ट्राई करिए और मुझको बताइए। कुछ आपने गड़बड़ की है, राज पटेल जी इज नाउ सेइंग सर ए, केतुल शाह जी इज ऑल्सो सेइंग ए 0.6। देखो यार आंसर कैसे नहीं आया पता है, आंसर बी कैसे नहीं आया। कुछ कुछ ऑप्शन आप फील कर पाते हैं, उसके लिए कुछ जरूरत नहीं होती आपको कुछ भी स्टेप्स करने की। तो अगर थीटा जीरो होता, मेरी बात समझना माय फ्रेंड, अगर आपका थीटा जीरो होता तो दिस विल लुक लाइक दिस। थीटा जीरो होने पर अगर आप ए पॉइंट को यहां पर मूव करते हैं, ट्राई करते हैं, तो इट विल नॉट रोटेट। तो थीटा जीरो होने पर इसका ओमेगा जीरो होता, ऑप्शन बी में नहीं होता। अगर इसका थीटा 90 हो जाता ना, तब आप यहां से मूव करते हैं तो इट विल नॉट मूव। तो यहां पर भी ओमेगा जीरो होता जब थीटा आपका 90 होता। नो,
नहीं होता राइट क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर टेन बताया था, कुछ लोगों ने आंसर फिर कोस बताया, कोसाइन वाज इनकरेक्ट। तो कैन आई से दिस लेंथ इज अ एक्स, क्या लेंथ को मैं एक्स बोल सकता हूं? आई नीड, एंड इसको हमने क्यों चूज किया? क्योंकि ये साइड आपकी कम हो रही है, तो क्या दिस डी एक्स बाई डी टी, क्या ये एक साइड जो ट्राइंगल था वो लेंथ कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, दिस वेलोसिटी, तो क्या हमको डी एक्स बाई डी टी पता है? एक्स बाई डी टी क्या होता है? बिकॉज दिस लेंथ इज कीप ऑन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अब हमको थीटा का एक रिलेशनशिप चाहिए, देन वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस थीटा, तो कोसाइन थीटा काम आएगा, साइन थीटा काम आएगा कि टेन थीटा काम आएगा? वी जस्ट नो अपोजिट साइड एंड एडिशन साइड, वी नो दैट वी विल यूज टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 divided by x. Now we have to differentiate with respect to time to fulfill our goal. So tan theta कितना होता है? It is a sec square theta. With respect to t करना था तो it is d theta by dt. Chain rule. 1 upon x का कितना होगा? माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर एंड देन एक्स का होगा डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज माइनस पॉइंट सिक्स। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन को स्क्वायर थीटा, डी थीटा बाई डी टी इज योर ओमेगा ए बी। 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि आपने बोला था कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज टेन स्क्वायर थीटा, वेलोसिटी इज माइनस पॉइंट सिक्स, बट टेन स्क्वायर को आई विल राइट साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। cos square will be cancelled out, minus sign will be become plus, omega ab का value आपको मिल गया। tell me in the comment क्या आपको clear हुआ कि नहीं हुआ। इतना easy तरीके से term को deal करते हैं ना हम, यार बच्चे बच्चे को पता चले, गली गली में पता चले कि यार टॉम इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं रखना है यार। फ्लूड में फॉर्मूला याद रखते हैं, थर्मो में फॉर्मूला याद रखते हैं हम, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स एंड डिफरेंशिएट वी हैव लर्नड इन 11th स्टैंडर्ड, 10th 11th 12th, वेलोसिटी पता होता है, डी एक्स वाई डी टी वेलोसिटी सब कुछ हमने सीखा था, बट यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करना था। अप्लीकेशन हम सीखते हैं इंजीनियरिंग में, अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग में। जब इस तरह का केस आपका आता है तब आपको थीटा के फॉर्म में एक रिलेशनशिप बनाना होता है, देन जस्ट डिफरेंशिएट। साइन थीटा नहीं लिया बिकॉज वी डोंट नो दिस लेंथ, कोस नहीं लिया, ये क्यों लिया? बिकॉज वी वॉन्ट डी एक्स बाई डी टी, वी वॉन्ट चेंज ऑफ दिस लेंथ। टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड try to revise this question before going for any important exam, right? हाँ वो भी आप कर सकते हैं सुरेश नायक जी, वो भी कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू आई हैड टू इंट्रोड्यूस वन न्यू कंसेप्ट। ये तरीका, ये अप्रोच आपको सब जगह नहीं मिलेगा, इज अ कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच, ठीक है?
Bonus question. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस बोनस भी आपके होंगे, एग्जाम में बोनस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन? So at theta angle, theta angle पर आपका था, तो वोट इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन. वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आपको पता होता है, डिराइव आप कर पाते हैं. ओमेगा इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा बाय टू ए. एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, तो अगर वेलोसिटी में आपका ओमेगा था तो एक्सेलरेशन में आपका ओमेगा का स्क्वायर आता है हमेशा. डिफरेंशिएट करेंगे कोस थीटा हो जाएगा, ये कोस टू थीटा बाय एन. तो फर्स्ट में आपका कितना आएगा? फर्स्ट में आपका आएगा फोर, सेकंड में आपका आएगा टू, फोर एंड टू. अब बारी आती है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रोड की. तो मैंने आपको ट्रिक ये दिया कि वेलोसिटी आपकी ओमेगा एंड ओमेगा, मतलब ओमेगा एंड अल्फा ऑफ कनेक्टिंग रोड, राइट? तो ओमेगा एंड अल्फा में अगर यहां पर पावर ओमेगा का वन आता है, यहां पर आपका पावर आएगा टू. तो थ्री वन आएगा क्योंकि वन थ्री आएगा, तो आपका वन थ्री आएगा, राइट? नहीं पता ना, तो इस तरह के टिप्स ही आप यूज कर सकते हैं. ओमेगा का यूनिट आपका ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? ओमेगा का स्क्वायर थोड़ी होता है यार, ओमेगा होगा. देन यू विल डिफरेंशिएट, तो ओमेगा का हो गया राइट, कोस का हो गया माइनस साइन. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट. बट यहां से टॉपर्स क्या सीखते हैं? टॉपर्स ये दो चीज याद रख लेते हैं, ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रोड एट एनी पोजिशन इज ओमेगा बाय एन कोस थीटा. ओमेगा ऑफ कनेक्टिंग रोड इज ओमेगा बाय एन टू कोस थीटा. तो क्या कभी कनेक्टिंग रोड का ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी. अगर थीटा आपका 90 डिग्री का बनेगा तो ओमेगा आपका कनेक्टिंग रोड का जीरो बन जाएगा. वो सब चीज आप देख सकते हैं यहां पर. एंड ये क्वेश्चन एक आया था, नोट दिस दिस क्वेश्चन. इन द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, व्हेन डज द कनेक्टिंग रोड हैज जीरो एंगुलर वेलोसिटी? When does the connecting road has zero omega? इसको फील करना है. Post it.
तो बताइए आंसर। एंड यहाँ पर एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट दिस फॉर्मूला, कि जब जब आपका एक साइडर का मैकेनिज्म आपका होता है, एंड दिस इज अ स्पेशल केस, दिस स्पेशल केस। तो यहां पर होता क्या है ना, ये ओमेगा जीरो हुआ क्यों यार, हुआ क्यों ओमेगा जीरो? तो देखो वोल्टेज वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इनटू आर होगा। तो जस्ट टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन इफ कनेक्टिंग रोड इज ए रिजिड लिंक, अगर ये आपका रिजिड लिंक आपका होता है, पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन? एंगल्स आर थीटा, सॉरी दिस एंगल्स आर बीटा। तो आपको पता है कि अगर आप किसी दो पॉइंट के लिंक की अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालते हैं तो इट विल बिकम ओमेगा इंटू आर कोस बीटा, ओमेगा इंटू आर कोस बीटा, बीटा इज सेम, कोस बीटा इज सेम। तो इन दिस इंस्टेंट आपका पिस्टन का वेलोसिटी होगा ओमेगा इनटू आर, एंड द एंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द कनेक्टिंग रोड। तो मतलब अगर कोई लिंक आपका इस तरह का था, उसके दो पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता थी, बोथ आर पैरेलल, बोथ आर हैविंग सेम वेलोसिटी, तो क्या उसका जो एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, क्या ये एंगल आपका चेंज होगा? दिस डी बीटा बाय डी टी इज कॉन्स्टेंट, सॉरी डी बीटा बाय डी टी इज जीरो, बीटा इज कॉन्स्टेंट। तो अगर इट इज नॉट रोटेटिंग तो इट इज इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर प्योर ट्रांसलेशन था तो ओमेगा कितना होगा, जीरो होगा, बट थीटा की कौन सी वैल्यू थी, थीटा आपका था 90 डिग्री, थीटा आपका था 90 डिग्री, राइट, थीटा आपका था 90 डिग्रीज। तो यहीं से आपका एक और क्वेश्चन पॉसिबल बनता है कि फॉर वन स्लाइडर क्रैक मैकेनिज्म, ओमेगा ऑफ क्रैंक इज 10 रेडियंस पर सेकंड, सबको नोट करना है क्योंकि नोट्स बहुत अच्छी बनाएंगे। लेंथ ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कनेक्टिंग रोड का लेंथ आपका था 15 सेंटीमीटर, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। दो मार्क में आपका क्वेश्चन आएगा अभी से, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन इन मीटर पर सेकंड। जो कि मैंने आपको बताया रिलेशंस आपको सारे पता होने चाहिए।
This maximum excel is now 10. I think I haven't received correct answer yet. What is velocity of piston? What is velocity of piston? Hello, Lakshmidhar Nayak ji. Good afternoon. You have to just differentiate what is acceleration of piston. What is value of n? What is value of n? N ki value kitni thi? Length of connecting rod divided by length of radius. n तो आपका यहां पर 1 था तो ultimately for this scenario your acceleration is equal to omega square r cos theta plus cos 2 theta. omega आपका omega का square आपका होगा this radius आपको चाहिए centimeter meter में तो cos theta plus cos 2 theta की maximum value क्या होगी What is the maximum value of cos theta plus cos 2 theta? With theta ke hisab se it will change. But aapko aisa theta put karna hai ki dono ki value matlab ye pura term aapka maximum kar jaye. To kaun sa theta put karna pasand karenge aap log? If you will put 90, 90 mein to zero ho jayega sab kuch. You can put 30. But aapko pata hai cos theta ki maximum value kitni hoti hai? 1. तो इट इज अ स्पेशल केस कि थीटा इक्वल टू आप 0 पुट करते हैं ना तो cos थीटा होता है 1 cos 2 थीटा भी होता है 1 cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 थी cos 2 की मैक्सिमम भी 1 थी यहां पर तो आपका आंसर कितना आ गया 30 इज इट क्लियर टू एवरीवन Is it clear to everyone? It is also maths. यहाँ पर mathematics ही था ना आपका क्या था? Cos theta plus cos 2 theta की maximum value आपको कब मिलती? इतना ही था कि cos theta प्लस cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलती 45 पुट करते हैं तो cos 45 प्लस cos 90 विल बिकम राइट तो ये आपका यहां पर सिनेरियो था डू यू नो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पिस्टन यस velocity of piston is equal to omega r into sin theta plus sin 2 theta divided by 2 under root n square minus sin square theta ये formula बहुत लोगों को पता नहीं होता जब आपका n generally आपका this is greater than 1 तब आप करते हैं इसको ignore तब आप करते हैं इसको ignore and you will get this relationship It is approximation. जब आपका n n sin theta की value अगल बगल में होती है ना right. अब मैंने आपको पूछा for the same case. अब मैंने आपको पूछा for the same case. What is maximum velocity of piston? बताइए.
व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, जस्ट टेल मी। ओमेगा कितना था? ओमेगा ओमेगा आपका था 10 रेडियंस पर सेकंड, रेडियस आपका था 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड आपका 15 सेंटीमीटर आपका था, बस इतना ही था ना? ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी? ये कितना होगा मैक्सिमम वेलोसिटी? आई डोंट थिंक 15 इज करेक्ट आंसर, 15 आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट आंसर, 90 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर, ये टॉपिक क्वेश्चन यार 2 मार्क के बहुत ज्यादा आते हैं वहां पर। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, नाउ यू हैव टू गो फॉर सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथ आपको देखना है। ओमेगा इनटू आर इज कांस्टेंट, राइट? ये तो कांस्टेंट था ना, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर आपने ओमेगा 10 था आपका था ये वाला, ओके। साइन थीटा को एज इट इज रखा, 2 sin θ क्या होता है आपका? 2 sin θ, साइन 2 θ क्या होता है? तो 2 sin θ इंटू कोस थीटा, यहां पर आपका था 2 एंड यहां पर आपका एन था 1, तो दिस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos square theta, it is cos theta. क्योंकि जब आप, क्योंकि n is not very big, जब n आपका 2, 3, 4, 5 होता है तब इग्नोर करते हैं, यहां पर n तो 1 था, sin theta भी 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। तो अब आप देखेंगे, अब आप समझेंगे कि सर आंसर तो कुछ अलग ही आया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस तो कट गया, आंसर क्या है आपका? 10 × 15 × 10⁻²² × 2 × sin θ। एंड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जब थीटा होता है 90? क्या सभी का आंसर ही आ रहा है? यस और नो? यहां पर साइन 2 θ इक्वल टू आपका हुआ 2 sin θ × cos θ, वी कैन नॉट इग्नोर दिस टर्म बिकॉज एन बड़ा नहीं था ज्यादा, राइट? 1 − sin²θ इज cos²θ, स्क्वायर रूट आपका हो गया cos, cos कट गया, 2 कट गया, वी कोट दिस, तो इट इज अ स्पेशियल केस, वी कैन से इट्स अ स्पेशियल केस, राइट? तो अगर आपका, वी कैन कंक्लूड कि अगर आपका एन 1 था इन द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, अगर आपका एन 1 होगा, एग्जाम में 1 ही आपको देंगे, व्हाट वी हैव डिराइव्ड फॉर द पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बिकम 2 times ओमेगा आर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बिकम 2 times ओमेगा स्क्वायर आर। कैन वी से दिस, ओमेगा आपका कॉन्स्टेंट होगा,
कैन गेट दिस, जब थीटा आपका होगा 90, तो ये क्या सबको क्लियर हो रहा है? क्या ये चीज आपको पहले बता थी? यहां पर हमने फील किया है, यहां पर हमने बेसिकली फील किया कि यस मैथमेटिकली हम गए एंड मैक्सिमम करते गए एंड अल्टीमेटली वी गोट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ पिस्टन एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। तो क्या यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप सोल्व कर लेंगे इसको? क्या अब कोई गलती होगी? या तो कंडीशन आपको पूछ सकते हैं, या तो आपको ये मैग्नेट पूछेंगे, कुछ भी आपको पूछेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन्स इज माय वेरी फेवरेट सब्जेक्ट एंड प्लस पर आपको एक डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा, प्लस पर आपको मेरा एक डेडिकेटेड कोर्स मिलेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस का, क्योंकि यहां से 4 से 6 मार्क आते हैं। मैकेनिक्स में भी आता है क्वेश्चन, टॉम में भी आपका आता है। टॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका रैंक बिगाड़ भी सकता है, रैंक आपको दे भी सकता है। करंटली यू आर हैविंग दिस ऑफर, गो फॉर 6 मंथ गेट 1 मंथ फ्री और गो फॉर 12 मंथ गेट 2 मंथ फ्री एंड ट्राई टू अटेंड माई प्लस क्लासेस। यहाँ पर हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं बहुत जल्द, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज आपको पता है अगर आपको 75 मार्क आते हैं कट ऑफ 76, वी हैव टू सिक्योर 80 मार्क मिनिमम, राइट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच बजे मिलेंगे, स्पेशल क्लास होगा आपका क्रेशिंग ऑफ अ नेटवर्क। कैन फॉलो माई प्रोफाइल पूजन दावड़ा, सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी। एंड रात को होगा 10 बजे क्लास हमारा एप्टीट्यूड का, जो कि डेली होता है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू गिव करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, वी कैन से बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन। फिगर शोज अ 4-bar मैकेनिज्म इफ द क्रैंक ए बी रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन फाइंड आउट द वेलोसिटी of c, velocity of c in centimeters per second. 200, 209.4, 309.4 or 225। चलिए तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वन आंसर फ्रॉम राज पटेल जी, देख लेते हैं क्या होता है सही आंसर। जियोमेट्री आपको बहुत काम आएगी थियोरी ऑफ मशीन में, बिकॉज अगर ज्योमेट्री आपका वीक है तो टॉम आपका बर्बाद हो जाएगा। ज्योमेट्री अच्छा है तो टॉम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या कभी आपने आई सेंटर देखा है? यस और दो। क्या कभी आपने आई सेंटर देखा है? देखा है तो यस। आई सेंटर इज अ इमेजिनरी हिंज पॉइंट, इमेजिनरी हिंज पॉइंट इन माय वर्ड्स।
about which complete link is in pure rotational motion? ठीक है, तो आपका जो एबी का लेंथ गिवन था 20 सेंटीमीटर, आरपीएम गिवन था 150 आरपीएम, तो वेलोसिटी ऑफ सी तो आप फाइंड कर नहीं सकते डायरेक्टली, बट कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी आप फाइंड कर पाएंगे, एंड टेल मी दैट पॉइंट, वो पॉइंट आपका कौन सा होगा? इस पॉइंट की वेलोसिटी माय फ्रेंड आप फाइंड कर पाएंगे यहां पर, जस्ट टेल मी। बी की कर पाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, दिस विल बी लुक लाइक दिस, तो जस्ट टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी। Can you find velocity of B? Yes, velocity of B आपका होगा, the point B is on connecting rod as well as on crank. Omega into AB. बताइए क्या आ रहा है आपका VB? Omega कितना होता है? 2 pi n by 60 and AB की length आपकी थी 20 centimeter. Just tell me what is your value of omega, value of velocity of B. तो pi के form में आएगा, RPM आपका था 150, 300, तो क्या 100 pi आ रहा है? We have derived velocity of point B 100 pi. पाई को पाई के फॉर्म में ही रखते हैं, डोंट गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, अभी पाई को पाई ही रखते हैं। कैन आई राइट दिस VB इक्वल टू 100 पाई? अब मुझको ये बताइए कि आपके लिए जो लिंक हेल्पफुल था वो लिंक ये वाला था, तो क्या वो लिंक का आपको आई सेंटर पता चलेगा तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा। तो हाउ टू गेट आई सेंटर, किसी भी दो पॉइंट ऑन द लिंक चूज दोस टू पॉइंट एंड द ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर्स, ये अलोंग द लिंक आपका होता है। यस, अलोंग द लिंक आपका हो गया, तो क्या दिस इज द आई सेंटर? इसका पता होगा ना, इसको एंड इसको एक्सटेंड करने पर आपको कनेक्टिंग रोड का आई सेंटर मिलता है I13। दिस इज इमेजिनरी हिंज पॉइंट, इसको हमने आई बोल दिया, इट इज इमेजिनरी हिंज पॉइंट। तो कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी सी इंटू डिस्टेंस आई बी? यस। कैन आई राइट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी बी इक्वल टू ओमेगा ओमेगा ऑफ लिंक बी सी इंटू आई सी? कैन आई राइट दिस? आई एम नॉट गिवन विथ ओमेगा एंड आई डोंट वॉन्ट टू फाइंड ओमेगा, तो क्या मैं अब दो इक्वेशन का रेशियो ले सकता हूं? यस, तो वेलोसिटी ऑफ बी divided by velocity of point C equal to IB into IC. VB पता था, VC नहीं पता था,
बट आई बी आई सी पता चल जाएगा, आई बी एंड आई सी पता चल जाएगा इन फ्यू सेकेंड्स। हाउ? तो अगर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, अगर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, क्या आपको ट्राइंगल दिख रहा है? ट्राइंगल के दो एंगल्स यहां पर 60 के थे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल बताइए कमेंट में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल, तीसरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, वी कैन कमेंट कि दिस इज ऑफ 60 डिग्री। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के थे तो क्या वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, मतलब वो ट्राइंगल की तीनों साइड का लेंथ सेम होगा एंड एक साइड का लेंथ हमको पता था 50 सेंटीमीटर, तो ये साइड आपकी 50 की होगी, ये भी 50 की होगी, तो पार्शियल इट इज 20 सेंटीमीटर, तो क्या हम बता सकते हैं दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, 20 प्लस 30 50 होगा ना, एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 50, तो 20 प्लस 30, तो आई बी कितना था, आई बी आपका आ गया 20, सॉरी आई बी आपका आया 30, राइट, एंड आई सी आपका आया 20, व्हाट इज वी बी, 100 टाइम्स पाई, व्हाट इज वी सी, 100 टाइम्स पाई इंटू तो 200 इंटू पाई कितना होता है, पाई आपका होता है 3.14, ये आपका होगा 3, तो अब आपके केल्सी होगा, तो 200 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, 200 से आपका थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, वो आंसर आपका आएगा ये, ऊपर 3.14 था, नीचे 3.00 था, तो क्या पसंद आपको आया ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपको पसंद आया कि नहीं आया? हाउ वॉज द क्वेश्चन? आई सेंटर लोकेट किया, दिस बेसिक कंसेप्ट वी इक्वल टू ओमेगा इन टू आर, ओमेगा इज सेम, ठीक है, अब आपको पूछा है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बीसी, ओमेगा बीसी कितना होगा बताइए, कनेक्टिंग रोड का ओमेगा कितना होगा, तो इट इज परफेक्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क ऑफ गेट एंड 3 मार्क ऑफ बीआरसी, अगर गेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको ओमेगा पूछेंगे, बीआरसी में आपको ओमेगा नहीं पूछेंगे, सिर्फ वेलोसिटी पूछेंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज ओमेगा बीसी, ओमेगा बीसी कितना होगा, वेलोसिटीज आपको पता है, आई बी आई सी आपको पता है, ओमेगा बी सी आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला, व्हाट अ कंसेप्ट, तो सेटिस्फेक्शन यार मिलता है अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है, कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर होता है। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी, 100 पाई, कितना आया ये आपका, 100 सेंटर यहां पर आपका होता है, वो याद हो जाना चाहिए आपको, ये दोनों को जब एक्सटेंड करते हैं ना तब आपको मिलता है आई सेंटर, हर बार समझाऊंगा नहीं मैं आपको, फिर दिस लेंथ इज 30, दिस लेंथ इज 20, इट इज
हिंज पॉइंट बोल सकते हैं आप, ताकि हिंज पॉइंट थोड़ा अच्छा लगता है ना। बी इक्वल टू ओमेगा आर, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू ओमेगा बी सी इंटू आई बी। तो 100 पाई, आई बी कितना था? आई बी आपका था 30 सेंटीमीटर। तो ओमेगा बी सी कितना आया? तो 10/3 कितना होता है? 3.33 आपका होता है ना इंटू, तो 10 के अराउंड आपको आंसर मिलेगा, 10 के थोड़ा सा ज्यादा। ये गेट में आएगा और ये क्वेश्चन गेट में वही लोगों से होगा जो लोगों ने कंसेप्चुअली समझा होगा। एंड ये क्वेश्चन गेट में हो गया मतलब समझना कि आपका रैंक टॉप में होगा। अगर आपके एचपीसीएल एग्जाम में कम नंबर आए, उसका रीजन ये था कि आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, आप समझने वाले स्टूडेंट हैं। तो एचपीसीएल में जिसको नंबर आए होंगे उनको गेट में नंबर कम आएंगे, अगर वो अच्छे थे बगअप करने वाले क्वेश्चन। बट यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रट्टा वाला नहीं आता, वहाँ पर बहुत सोचना होता है। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई साइड। ट्राइंगल आपका बनेगा इक्विलेटर ट्राइंगल, फिर आपका सब कुछ हो जाएगा सेकंड्स में, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। पुनस्सा क्वेश्चन, यहां से भी मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। आई विल टेल यू द कंप्लीट कंसेप्ट। ABCD is a mechanism with link length AB, BC, CD and DA are given to you. Which one of the following links should be fixed for the resulting mechanism to be a double crank mechanism? So I will draw the mechanism roughly. Not expert, it's for dimensions, right? सबसे यहाँ पर लेंथ लिखता हूँ, AB का लेंथ आपका था 200, BC का लेंथ आपका था 300, CD का था आपका 400 एंड DA का था आपका 350। तो क्रैंक आपको तब मिलता है जब शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक का सम आपका होता है लेस देन इक्वल टू अदर टू लिंक्स। शॉर्टेस्ट लिंक आपका 200 का था, लॉन्गेस्ट लिंक आपका 400 का था, अदर टू लिंक्स के लेंथ आपके थे ये वाले। So you will get link, एक लिंक आपको मिल सकता है क्रैंक, एटलीस्ट वन लिंक आपको क्रैंक मिल सकता है। अब कंसेप्ट आपका ये था कि ये चार में से आप अलग अलग बार चार अलग अलग लिंक को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपने शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया ना, तो ब्लू को फिक्स करने पर आपको मिलेगा डबल क्रैंक। कलर कोड लिख रहा हूं मैं आपका डबल क्रैंक। अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो थी उसके बगल वाली आप लिंक को फिक्स करते हैं, बगल में दो लिंक होगी, मतलब बगल वाली कोई एक लिंक को आप फिक्स करते हैं, तो रेड वाला जो था इट विल गिव यू क्रैंक एंड रोकर। या तो एडी को या तो बीसी को। अगर शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट लिंक आपने फिक्स कर दी तो हो गया कल्याण, आपको डबल रोकर मिलेगा। शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट लिंक फिक्स, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स किया डबल क्रैंक, अपोजिट लिंक डबल रोकर, बाकी बचे दो लिंक थे उनको फिक्स किया तो क्रैंक एंड रोकर।
डबल क्रेन चाहिए तो शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दीजिए। तो आंसर आपका आएगा ए बी। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है सभी को? राइट, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं, रिपीट करते हैं, चलिए रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सबसे पहले आपको कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अब अगर आप फिक्स्ड करते हैं, आप फिक्स करते हैं शॉर्टेस्ट लिंक को, आप फिक्स करते हैं शॉर्टेस्ट लिंक को, तो आपको डबल क्रैंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप फिक्स करते हैं अ लिंक अपोजिट टू द शॉर्टेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक की सामने वाली एग्जैक्ट अपोजिट लिंक को फिक्स करते हैं, तो आपको मिलेगा डबल ब्रोकर। राइट, बाकी बची जो दो लिंक थी, जो आप बोल सकते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, बचा कौन? रोकर एंड क्रैंक, क्रैंक एंड रोकर, दोनों में वही मिलेगी, एक में रोकर एंड क्रैंक मिलेगा, दूसरे में क्रैंक एंड रोकर मिलेगा, मतलब अपोजिट वो इंटरचेंज कर जाएंगे, रोकर विल बिकम क्रैंक, क्रैंक विल बिकम रोकर। क्या अब क्लियर है? ये आपको काम आएगा एक लाइन वाले क्वेश्चन में, एक मार्क में गेट में क्वेश्चन आएगा यहां से। तो जो आपका सीजीपीए देखा जाता है, इसके लिए आप अवॉइड करना है। अगर आपके परसेंटेज 80 हो रहे हैं तो इट इज वेरी गुड, यू आर एलिजिबल फॉर एनी पीएसयू, चाहे वो कोई भी पीएसयू हो। ट्राई टू अटेंड द फुल कोर्स, ट्राई टू अटेंड द क्लासेस ऑन डेली बेसिस, गेट पोस्टल स्टडी मटेरियल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड मटेरियल बट वेरी इफेक्टिव मटेरियल। ये किस तरह से मिल सकता है आपको? जब आप प्लस ज्वाइन करते हैं तब आपको एक रेफरल कोड होगा, वो आपको एंटर करना है। यू कैन मैसेज मी द प्रोफाइल और क्लास, यू कैन गो फॉर 6 मंथ और यू कैन गो फॉर 1 ईयर और यू कैन गो फॉर 2 ईयर्स, ताकि कंटिन्यूअसली आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाते हैं। राइट, क्लास में कभी अगर आप पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली अगर आप कनेक्ट होते हैं तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज। यस, अगर आपको परसेंटेज फिल करना है तो आपको ओवरऑल डालना होगा। राइट, आपको ओवरऑल डालना होगा जो आपका हो रहा है ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, चलिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड एट द इंस्टेंट ओमेगा कितना होगा? 1, 2.5,
और 4 रेडियन पर सेकंड। सारे सेमेस्टर के मार्क कंबाइन किए जाते हैं, लास्ट ईयर नहीं देखा जाता बिकॉज लास्ट ईयर को मार्क्स ज्यादा होते हैं, वो सभी के ज्यादा होते हैं। तो वी हैव वन लिंक, वो लिंक के किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी का वेक्टर आपको पता होगा। यू कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर, यू कैन लोकेट द आई सेंटर एंड देन इट इज इमेजिनरी हिंज पॉइंट, यू कैन फाइंड ओमेगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, वहां पर भी हमने वही कंसेप्ट यूज किया था। तो पॉइंट आंसर होगा केतुल जी, 0.5 इज नॉट करेक्ट आंसर। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक द क्लास, इसको जल्दी से यार लाइक कर देंगे एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। द सीरीज विच आई हैव स्टार्टेड इज द मोस्ट इफेक्टिव सीरीज इन एंटायर यूट्यूब फॉर द बीआरसी। बीआरसी का होगा ये सबसे इफेक्टिव, शॉर्टकट से आपका हो जाएगा, बिल्कुल आपका यहां पर शॉर्टकट से हो जाएगा। यस, तो यहां पर मैंने आपको ट्रिक ये दिया था कि अगर आपका अपर एंड नीचे की ओर आ रहा है, अपर एंड अगर आपका नीचे की ओर आ रहा है तो दिस लोअर एंड विल मूव टुवर्ड्स राइट, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर्स राइट। किसी भी रिजिड लिंक को आप दो पॉइंट का वेलोसिटी का वेक्टर आप लेंगे रिजिड लिंक का, you have to just draw the perpendiculars and you have to locate the eye center, it is eye center or for me it is a imaginary hinge point for link AC. Velocity of point A is equal to omega AB into IA. Velocity of point A आपको पता था 1, ओमेगा आपको फाइंड करना था व्हाट इज आई ए। तो क्या ये ट्राइंगल में आप अप्लाई कर पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री कोस 60, दिस लेंथ विल बिकम 0.5। यस और नो, ये आपका रेक्टेंगल था ना तो इट विल ऑल्सो बिकम 0.5, इट इज 1/2 राइट। ओमेगा आपका हो जाएगा विच इज ए बी 2 रेडियन, बट जस्ट टेल मी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा वो भी आपको पूछ सकते हैं। In meter per second, what is velocity of B? जल्दी से मुझको बताइए कमेंट में। For that, I have given you the shortcut trick. उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा shortcut trick आपको दिया हुआ है। 10 सेकंड में आंसर। तो अगर ये अगर दिस इज द राइट एंगल राइट, तो थीटा आपको अगर गिवन है तो टेन थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं, टेन थीटा अगर इसको थीटा माने तो टेन थीटा इक्वल टू आप लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विच इज ऑन फ्लोर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विच इज ऑन वॉल। यस और नो, थीटा 60 था, 1060 आपका कितना होता है वेलोसिटी ऑफ बी आपको पूछा था, वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन टू यू, वेलोसिटी ऑफ बी विल बिकम √3 मीटर पर सेकंड।
गड़बड़ी कर लिया। यू कैन ऑल्सो राइट, अगर इस पॉइंट को आपने आई बोला था, आई सेंटर, यू कैन ऑल्सो राइट दिस रिलेशनशिप। velocity of A equal to omega into IA, velocity of B in equal to omega into IB. omega आपको मिल गया 2, BA आपका था 1, BB आपको मिल गया 3. what is IB, what is IA, what is IB? ठीक है, तो दिस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट आपको होमवर्क में मैं बोलूंगा, एक क्वेश्चन आया था एक पीएसयू में, क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट डिफिकल्ट था, कि ये आपकी वॉल थी एंड ये आपका फ्लोर था, एंड नाउ दिस इज द लिंक, ये वॉल आपका परपेंडिकुलर था, दिस इज लाइक परपेंडिकुलर, तो इसका ओमेगा पूछा हुआ था, मान लीजिए इट इज गिवन, कि इट इज गिवन, ये आपको गिवन था वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी आपको नहीं गिवन था, ठीक है, एंगल आपको गिवन था, एंगल आपको गिवन था, ये गिवन था, पूछा हुआ था ओमेगा कितना होगा, ये क्वेश्चन होगा एक्सपेक्ट इन गेट एग्जाम, बिकॉज राइट एंगल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए हैं, अब यहाँ पर मुकाबला होगा, बिकॉज एंगल इज नॉट राइट एंगल, ज्यादा था वो, मान लीजिए इट इज गिवन टू यू, ये गिवन था आपको 10 का सपोज, एंड द लिंक लेंथ आपका गिवन था 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर का, सॉरी 2 मीटर का, ठीक है, एंगल एक गिवन था, वेलोसिटी एक गिवन था, अब पूछा है ओमेगा ऑफ दिस लिंक, यहां पर आपने पॉइंट का नाम बोल दिया ए, यहां पर पॉइंट का नाम आपने बोल दिया बी, ट्राई करेंगे, ट्राई टू अटेंड द प्लस कोर्स, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, अगर आपको पूरा पढ़ना है, जल्दी से माय फ्रेंड प्लस पर आ जाइए, कनेक्ट विथ मी, एंड आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, छोटा सा कोड आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा मेरा, दिस इज अ मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोफाइल ऑफ एनी टीचर एंड फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड, टोम इज वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, वाइब्रेशन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन रिसर्च, सोम फ्लूइड थर्मो मैथ्स, रेफरल कोड पूजन, इट विल कनेक्ट यू विथ मी पर्सनली ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, विल नॉट ओनली गेट 10% डिस्काउंट बट पोस्टल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा मेरी ओर से, फॉर परचेसिंग सब्सक्रिप्शन फॉर फर्स्ट टाइम इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिन्यूअल्स, इट इज लाइक अ वेलकम किट फ्रॉम माई साइड, ये होगा बेच कोर्स जहां पर आप एनरोल करेंगे अपने आप को, एंड मेरे क्लास, मेरे जो प्लस क्लास आपको मिलेंगे, इट विल गिव यू ब्रिज बिटवीन 60 to 90 marks, एंड यू कैन अवेल बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर फॉर 6 months, और यू कैन अवेल बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर, तो 12 months के लिए जाइए, बिकॉज गेट के बाद भी आपको प्रिपेयर करना होगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो अकॉर्डिंग टू मी गिव 12 months सब्सक्रिप्शन
कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल विच इज 29,000 ओनली पर मंथ, आपका 2400 रुपया होता है, होटल आपको मेरी ओर से मिल रहा है। दिस इज द मैक्सिमम हेल्प विच आई कैन डू फॉर यू, यू बिलीव ऑन मी देन सब्सक्राइब फास्ट, रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, मेरा नाम पूजन राइट, एंड इट इज द कोड फॉर सक्सेस। यहाँ पर नाम नहीं चलता, यहाँ पर काम चलता है एंड यहाँ पर रिजल्ट चलता है, बिकॉज यहाँ पर हवाबाजी नहीं चलती। तो आई कैन चैलेंज यू कि इस तरह का रिजल्ट एंड प्रोफाइल आपको पूरे प्लेटफॉर्म पर बहुत रेयर केस में मिलेगा, ठीक है। आई एम टीचिंग फॉर सेकंड ईयर, सेकंड इट इज माई सेकंड ईयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोफाइल। तो अब मिलेंगे 5 बजे ऑन द अनएकेडमी ऐप फॉर द क्लास ऑफ क्रेशिंग ऑफ अ नेटवर्क, डिस्कस इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। रात को 10 बजे मिलेंगे फॉर एप्टीट्यूड क्लास, we're discussing reasoning questions. So 30 to 45 minute यहाँ पर मिलेंगे and 45 minute यहाँ पर। कल क्या होगा, मंडे वेनसडे फ्राइडे को क्या होता है, मंडे वेनसडे फ्राइडे को हमारा होता है अंतिम बैच का कोर्स, विच इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स फॉर योर टाइम, फॉर अटेंशन। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट करें, अपना फीडबैक, लाइक करें लेक्चर को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे कोर्स से, ताकि आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स क्रैक इट एंड सी यू ऑल एट 5 PM।